Hello friends, today we are going to learn next part from chapter number 2. Our chapter number 2 is double entry system of accounting, and today we will learn types of accounts. See, as far as double entry accounting system is concerned, according to this system, in every transaction minimum 2 accounts are involved. म्हणजे जी डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम आहे त्याच्या प्रिंसिपल नुसार त्यामध्ये असं सांगितलं आहे की प्रत्येक ट्रांझॅक्शन मध्ये कमीत कमी किती अकाउंट इन्वॉल्व असणार आहे, मिनिमम 2 अकाउंट्स आर देयर इन ईच ट्रांझॅक्शन, मिनिमम 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इन ईच ट्रांझॅक्शन. ओके, तो यहां पे हमें याद रखना है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में हर एक ट्रांजैक्शन में कम से कम कितने अकाउंट इन्वॉल्व रहेंगे, मिनिमम 2 अकाउंट विल बी देयर इन ईच ट्रांजैक्शन. हर एक अकाउंट का एक ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट्स रहेंगे, और वो जो अकाउंट यहां पे रहने वाले हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं. वो कितने टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप के हो सकते हैं. दैट मे बी द रियल अकाउंट, दैट मे बी द पर्सनल अकाउंट, और दैट मे बी द नॉमिनल अकाउंट. ओके, म्हणजे प्रत्येक अकाउंट मध्ये 2 अकाउंट असणार आहे, आणि जे अकाउंट आपल्याला असणार आहे त्याचा जो टाइप आहे, त्याचा जो प्रकार आहे, तो एकतर रियल अकाउंट असेल, एकतर पर्सनल अकाउंट असेल किंवा नॉमिनल अकाउंट असेल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ अकाउंट. सी, आई एम टेकिंग हियर वन ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन इज लाइक दैट. पेड सैलरी रुपीज 5000. सी, हियर वन ट्रांजेक्शन इज गिवन, दैट इज पेड सैलरी रुपीज 5000. दिस इज वन ट्रांजेक्शन. इन दिस ट्रांजेक्शन 2 अकाउंट आर इन्वॉल्व. या ट्रांजेक्शन मध्ये 2 अकाउंट का आहे इन्वॉल्व आहे. दिस टू अकाउंट आर, वन इज अ कैश अकाउंट एंड सेकंड इज अ सैलरी अकाउंट. दिस टू अकाउंट आर इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजेक्शन. इस ट्रांजेक्शन में ये 2 अकाउंट इन्वॉल्व है. एक कौन सा अकाउंट आया, कैश अकाउंट, और दूसरा कौन सा आया, सैलरी अकाउंट. अब आप कहोगे कि सर ये कैश अकाउंट कैसे आया और सैलरी अकाउंट कहां से आया, तो हमें इस तरह के ट्रांजेक्शन दिए जाएंगे और उसमें से अकाउंट हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं. कैसे फाइंड आउट करने हैं ये हम इसी चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं. ओके, तो उसका टेंशन अभी आपको लेना नहीं है. तो हमें सिर्फ इतना यहाँ पे याद रखना है कि हर एक ट्रांजेक्शन में कम से कम 2 अकाउंट रहेंगे. एवढं तुम्ही आता लक्षात ठेवून द्या की प्रत्येक ट्रांजेक्शन मध्ये कमीत कमी किती अकाउंट असणार आहे, 2 अकाउंट असणार आहे. आणि ह्या ट्रांजेक्शन मध्ये 2 अकाउंट कोणते आले, एक आलं कॅश अकाउंट अँड सॅलरी अकाउंट. आणि जे अकाउंट आलेले आहे त्याचा एक टाइप असतो, और जो भी अकाउंट यहाँ पे आएगा उसका एक क्या रहेगा, टाइप रहेगा. क्या रहेगा, टाइप. मतलब वो अकाउंट एक तो रियल हो सकता है, एक तो पर्सनल हो सकता है, या तो नॉमिनल. म्हणजे इथे जे काही अकाउंट आहे ना, बरोबर, त्या अकाउंटचा टाइप असतो. का असतो टाइप, म्हणजे प्रकार. दॅट अकाउंट मे बी आयदर रियल अकाउंट, दॅट अकाउंट मे बी पर्सनल अकाउंट, और दॅट मे बी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट. तो यहाँ पे आने वाला हर एक अकाउंट 3 में से एक टाइप का होगा. मतलब जैसे कि कैश अकाउंट, तो मुझे पता है कि कैश अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है, रियल अकाउंट.
ये मुझे पता है सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट ओके। आता पुन्हा तुम्ही सांगा की सर कॅश अकाउंट रियल अकाउंट कसं, सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट कसं, ते आज आपल्याला शिकायचं आहे, दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे ओके। वही हम आज सीखेंगे कि अगर मैंने लिखा कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो कैश को रियल अकाउंट क्यों, सैलरी को नॉमिनल अकाउंट क्यों, वो ही आज हम सीखने वाले हैं ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं टुडेज टॉपिक टाइप्स ऑफ अकाउंट। लेकिन यहाँ पे फिर से याद रखो, यहाँ पे बेस क्या है आपका, कि हर एक ट्रांजैक्शन में कम से कम कितने अकाउंट रहेंगे, मिनिमम टू अकाउंट्स विल बी देयर इन ईच ट्रांजैक्शन, और जो अकाउंट आएंगे उसका टाइप रहेगा, आणि जे काही अकाउंट आहे ना त्याचा काय असणार आहे, एक टाइप असणार आहे, सो दॅट अकाउंट मे बी रियल अकाउंट, दॅट अकाउंट मे बी पर्सनल अकाउंट, और दॅट अकाउंट मे बी नॉमिनल अकाउंट, तीन में से एक टाइप का वो अकाउंट हो सकता है। तो आज हमें देखना है टाइप्स ऑफ अकाउंट, सो लेट्स स्टार्ट विद क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, और यू कैन से टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट को हम शॉर्ट में लिखेंगे ए और सी। अकाउंट का हम शॉर्ट में लिखा सही ना, ए कैपिटल ए काढायचा, ऑब्लिक काढायचा आणि सी, इट मीन्स अकाउंट, इट मीन्स अकाउंट्स ओके। सो देर आर टू मेजर टाइप ऑफ अकाउंट, दैट इज पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। नाउ पर्सनल अकाउंट is divided in three part, personal account कितने part में divide हुआ है, तीन part में divide हुआ है। अभी उसका personal account के तीन part होते हैं, natural personal account, artificial personal account, or representative personal account okay। So personal account is divided in three part, that is natural personal account, artificial personal account and representative personal account, and impersonal account is divided in two part, impersonal account is divided in two part, one is रियल अकाउंट एंड सेकंड इज नॉमिनल अकाउंट ओके। सो देखो यहां पे फिर से
classification account. There are two major types of account. One is personal account and other is impersonal account. Personal account again divided in three parts, that is natural personal account, artificial personal account and representative personal account. Impersonal account is divided in two parts, that is real account and nominal account. Real account again divided in two parts. This real account is again divided in two parts. That is tangible real account and intangible real account. And nominal account is again divided in two parts, that is expenses and losses account and incomes and gains account. Okay, see again total chart. Classification of account. Accounts are divided in two major parts, that is personal account and impersonal account. Personal account is divided in three parts, that is natural personal account, artificial personal account and representative personal account. Impersonal account is divided in two parts, that is real account and nominal account. Real account is divided in two parts, tangible real account and intangible account. Nominal account is divided in two parts, that is expenses and losses account and income and gains account. Now personal account. Personal account is account of person. Personal account is account of person. That may be natural person, that may be artificial person, or that may be representative person. तो personal account मतलब किसका account रहेगा? Person का account रहेगा. और वो person शायद natural person हो सकता है, मतलब human being, आदमी का account, आदमी के नाम का account, या किसी कॉलेज का account हो सकता है, कंपनी का account हो सकता है, उसे कहा जाएगा artificial person. देखो हमारा law क्या कहता है, अगर कोई कंपनी है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, किसी भी तरह का बैंक है, किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन है, तो उसका जो अकाउंट रहेगा या उसे हम आर्टिफिशियल पर्सन कहेंगे. लक्षात ठेवा, कोणत्याही प्रकारची कंपनी, कॉलेज, हॉस्पिटल, सोसायटी, बँक, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन या सर्वांना काय म्हटलं जातं? आर्टिफिशियल पर्सन, म्हणजे कृत्रिम, मॅन मेड. आणि लक्षात, म्हणजे ज्यांना किती पर्सनच मानलं जातं, पण त्याला कोणतं पर्सन म्हटलं जातं? आर्टिफिशियल पर्सन. आणि जो माणूस आहे, ह्युमन बीइंग इज कन्सिडर्ड अ नॅचरल पर्सन. सो अकाउंट ऑफ नॅचरल पर्सन, अकाउंट ऑफ ह्युमन बीइंग इज टू बी कन्सिडर्ड अ नॅचरल पर्सनल अकाउंट. अकाउंट ऑफ एनी कंपनी, अकाउंट ऑफ एनी हॉस्पिटल, अकाउंट ऑफ एनी कॉलेज इज टू बी कन्सिडर्ड अ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. अँड रिप्रेझेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, this account represents either natural person or artificial person. तो हम इसको फिर से डिटेल में लिखते हैं, natural personal account. Account of human being
संजय संजय म्हणजे कोण आहे माणूस आहे व्यक्ती आहे म्हणून त्याचं अकाउंट जर असेल तर ते कशामध्ये नॅचरल पर्सनल अकाउंट बिकॉज संजय इज ह्यूमन बीइंग सोनाली अकाउंट सोनाली अकाउंट सोनाली अकाउंट शुड बी कंसीडर एज नेचुरल पर्सनल अकाउंट और यू कैन डायरेक्टली सी पर्सनल अकाउंट मतलब डायरेक्ट हम उसको पर्सनल अकाउंट बोलेंगे तो भी चलेगा ओके क्योंकि सोनाली क्या है ह्यूमन बीइंग है मतलब वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएगा या आप उसको डायरेक्टली पर्सनल अकाउंट भी कहेंगे बाद में हम नेचुरल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे डायरेक्ट हम उसको क्या कहेंगे पर्सनल अकाउंट ओके तो इस तरह से अगर किसी आदमी का नाम है अनदर हम यहां पे एग्जांपल ले सकते हैं राहुल अकाउंट पर क्या है ना नेचुरल पर्सनल बिकॉज मिस्टर राहुल इज ह्यूमन बीइंग राहुल का है माणूस आहे आणि माणूस आहे म्हणून त्याचं कोणत्या मध्ये ना नेचुरल पर्सनल नका इनडायरेक्टली पर्सनल अकाउंट ओके नाउ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट ऑफ एनी अकाउंट ऑफ एनी कंपनी hospital any institution artificial personal account किसी भी कंपनी का अकाउंट किसी भी हॉस्पिटल का अकाउंट किसी भी स्कूल का अकाउंट किसी भी सोसाइटी का अकाउंट इसमें आएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कोणतीही म्हणजे तुम्हाला बँक सांगितली कंपनी सांगितली सोसायटी सांगितली तर त्यांचं अकाउंट कशामध्ये ना आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बिकॉज ऑल कंपनी ऑल ऑर्गनायझेशन ऑल हॉस्पिटल ऑल कॉलेजेस टू बी कन्सिडर एज अ आर्टिफिशियल पर्सन त्यांना आर्टिफिशियल पर्सन असं संबंध आहे फॉर एक्झाम्पल टाटा कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन टाटा कंपनी काय झालं नॅचरल पर्सन झालं आर्टिफिशियल पर्सन झालं आर्टिफिशियल पर्सन अँड देयरफॉर अकाउंट ऑफ टाटा कंपनी इज टू बी कन्सिडर एज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट त्याला काय संबंध आहे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट टेकिंग अनदर एक्झाम्पल फॉर एक्झाम्पल धवले हॉस्पिटल अकाउंट धवले हॉस्पिटल इज एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज एनी इन्स्टिट्यूशन एनी ऑर्गनायझेशन एनी सोसायटी एनी ट्रस्ट टू बी कन्सिडर एज एन आर्टिफिशियल पर्सन And therefore, Dhawale Hospital account is to be considered as an artificial personal account. Indirectly, these are personal account. Another example, ICICI bank account is also to be considered as an artificial personal account because ICICI bank is an artificial person alo sir mhanje kontya prakarcha hospital kontya prakarcha institution kontya prakarcha organization kontya prakarchi company yancha jar account asel tar te kasha mhanje na artificial personal account indirectly personal account mhanje direct tyala tumhi kay lihu shakta personal account तुम्हाला आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट असं लिहिण्याची गरज नाही डायरेक्ट काय लिहू शकता पर्सनल अकाउंट अनदर इज रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्सनल अकाउंट रिप्रेझेंट आयदर नॅचरल
particular person. It represents either natural person or artificial person. It represents either natural person or artificial person. Okay, so remember, representative personal account, as name given, it represents either natural person or artificial person. ये किसको represent करता है? Natural person को represent करता है या artificial person को represent करता है? इसके हम example लिखते हैं. इसके example देखो. It represents either natural person or artificial person. Example. Capital account. Capital account is a personal account, or you can say representative personal account. Because capital represents owner. Capital किसको represent करता है? Owner को. क्योंकि कैपिटल मतलब क्या? मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस. ओनर अपने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसे हम क्या कह रहे हैं? कैपिटल. सो कैपिटल मींस मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर. इट मींस कैपिटल रिप्रेजेंट्स ओनर. कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को रिप्रेजेंट करता है. और जो ओनर है, ओनर दैट मीनिंग पर्सन हो सकता है या तो आर्टिफिशियल पर्सन. म्हणजे जो ओनर आहे तो काय असू शकतो? एकतर कंपनी असू शकते किंवा एखादा ह्यूमन बीइंग असू शकतो, माणूस असू शकतो. आणि म्हणून कॅपिटल अकाउंट काय आहे? रिप्रेझेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. अनदर एक्झाम्पल, ड्रॉइंग्स अकाउंट. ड्रॉइंग्स अकाउंट. See, what is drawing? Drawing means any kind of goods or any kind of cash withdraw by owner for personal use. Withdraw by owner. म्हणजे कोणत्याही प्रकारचे goods, कोणत्याही प्रकारची cash किंवा कोणत्याही प्रकारचं असेल, owner जेव्हा business मधून स्वतःसाठी काढतो त्याला काय म्हटलं जातं? Drawing. तो किसी भी तरह का चीज अगर ओनर ने बिजनेस से निकाला किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? ड्रॉइंग. इट मींस ड्रॉइंग रिप्रेजेंट्स ओनर. मतलब ड्रॉइंग किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को रिप्रेजेंट करता है, मालिक को रिप्रेजेंट करता है. और ओनर कौन हो सकता है? एक तो नेचुरल पर्सन हो सकता है, मतलब ह्यूमन बीइंग हो सकता है, या तो आर्टिफिशियल पर्सन. दो में से एक ओनर हो सकता है. आलो सर, ओनर दोनों हो सकता. एक तर नेचुरल पर्सन असू शकतो किंवा आर्टिफिशियल पर्सन. म्हणजे ड्रॉइंग कोणासाठी वापरलं जातं? आयदर फॉर नेचुरल पर्सन और आयदर फॉर आर्टिफिशियल पर्सन. एंड देयरफॉर ड्रॉइंग इज रिप्रेझेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. कोणता आहे? रिप्रेझेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. इट ऑल्सो इन्क्लूड लाइक बैंक लोन अकाउंट. अभी बैंक लोन अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है. क्यों? क्योंकि जब मैं कहता हूं बैंक लोन अकाउंट, मैं इंडिकेट करता हूं मैंने बैंक से कर्जा लिया. मैंने किससे कर्जा लिया? बैंक से. मतलब मुझे उस बैंक को पैसा वापस देना पड़ेगा, बराबर. जैसे मैंने अगर आईसीआईसीआई बैंक से कर्जा लिया है तो मैं यहां पे लिखूंगा आईसीआईसीआई बैंक लोन अकाउंट. इसका मतलब वो जो कर्जा है वो मैंने बैंक से लिया है. और बैंक क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन. तो अगर लोन भी होता है दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. इसमें दूसरे आते हैं आउटस्टैंडिंग
expenses account and prepaid expenses account. म्हणजे यामध्ये अजून काय येतं, आउटस्टँडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट एटसेट्रा. तर इस तरह से इसमें बहुत सारे और चीजें आहेत. आता यामध्ये आणखी अनेक प्रकारच्या गोष्टी येतात, त्या प्रत्येक वेळी जसं जसं मी आपण पुढे बघणार, पुढे यामध्ये प्रॅक्टिकल क्वेश्चन येणार, त्यामध्ये ते तुम्हाला काय करणार आहे क्लियर करणार. ओके, तो इसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आया वो कैसे, या प्रीपेड एक्सपेंसेस आया वो कैसे आया. आने वाले पार्ट में अभी फिर से मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताने वाला हूँ. नेक्स्ट इज टेंजिबल अकाउंट. सी, रियल अकाउंट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, वन इज टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट. हम लोगों ने असेट के बारे में देखा है. रियल अकाउंट इज अकाउंट ऑफ असेट. रियल अकाउंट इज अकाउंट ऑफ असेट. ये किसका अकाउंट है? असेट्स का अकाउंट है, अकाउंट ऑफ असेट्स. आणि आपण बघितलं देयर आर टू टाइप्स ऑफ असेट, टेंजिबल असेट्स एंड इनटेंजिबल असेट्स. टेंजिबल असेट्स व्हिच कैन बी टच और व्हिच कैन बी सीन, म्हणजे ज्या असेटला आपण टच करू शकतो, ज्या असेटला आपण बघू शकतो, त्या असेटला म्हटलं जातं टेंजिबल असेट. इनटेंजिबल असेट विच कॅनॉट बी सीन और विच कॅनॉट बी टच, म्हणजे अशा प्रकारचे असेट ज्याला आपण बघू शकत नाही किंवा आपण त्याला टच करू शकत नाही, त्याला म्हटलं जातं इनटेंजिबल असेट. सी, टेंजिबल रिअल अकाउंट लाईक मशीनरी अकाउंट. क्या हम मशीनरी को देख सकते हैं? देख सकते हैं. क्या उसको टच कर सकते हैं? कर सकते हैं. तो अगर मशीनरी अकाउंट है तो किसमें आएगा? टेंजिबल रियल अकाउंट, मतलब रियल अकाउंट. अनदर एग्जांपल लेते हैं, फर्नीचर अकाउंट. फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट इज ऑल्सो टेंजिबल रियल अकाउंट. फर्नीचर आपण बघू शकतो का? बघू शकतो. फर्निचरला आपण टच करू शकतो का? करू शकतो. इट मीन्स फर्निचर इज टेंजिबल असेट. फर्निचर कोणतं असेट आहे? टेंजिबल असेट. आणि म्हणून ते कशामध्ये येणार? टेंजिबल रियल अकाउंट, और यू कॅन से रियल अकाउंट. डायरेक्टली रियल अकाउंट सांगितलं तरी चालेल, आणि आपण पुढे तसंच करणार आहे. आगे जाके हम टेंजिबल इनटेंजिबल ऐसा नहीं देखेंगे, डायरेक्टली उसको कहेंगे रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट. And second is intangible real account. Intangible assets like goodwill account, ये मैंने आपको लिया है. Intangible assets कौन कौन से होते हैं? Goodwill होता है, patent होता है, copyright होता है, trademark होता है. ये चार type के जो assets है वो कौन से है? Intangible account है. Goodwill, पेटेंट अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट एंड कॉपीराइट अकाउंट. ओके, आणि हे चार प्रकारचे जे अकाउंट आहेत, गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, हे कशामध्ये येणार? इनटेंजिबल रियल अकाउंट. बिकॉज गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट आर इनटेंजिबल असेट. वो कौन से असेट है? इनटेंजिबल असेट्स. एंड लास्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, दैट इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट एंड इनकम एंड गेन्स अकाउंट. म्हणजे जर एक्सपेन्सेस अकाउंट असेल किंवा लॉस अकाउंट असेल तर ते नॉमिनल अकाउंट, किंवा इन्कम अँड गेन्स असेल तरी ते कोणतं अकाउंट असणार आहे? नॉमिनल अकाउंट. फॉर एक्झाम्पल, परचेसेस अकाउंट. परचेसेस मीन्स परचेस ऑफ रॉ मटेरियल.
अगर हम लोगों ने रॉ मटेरियल परचेस किया तो हमें इनकम होगा या एक्सपेंसेस होगा? एक्सपेंसेस होगा, बराबर है ना? क्योंकि हम लोगों ने अगर रॉ मटेरियल परचेस किया, खरीदा, तो हमें पैसा देना पड़ेगा, मतलब हमारा खर्च होगा। सो परचेसेस अकाउंट इज एक्सपेंसेस लॉसेस अकाउंट, मतलब कौन सा अकाउंट हुआ? नॉमिनल अकाउंट। डायरेक्टली उसको कौन सा अकाउंट कहेंगे? नॉमिनल अकाउंट। दूसरा लेते हैं रेंट, रेंट पेड अकाउंट। रेंट पेड, रेंट पेड मतलब हम लोगों ने भाड़ा दे दिया। रेंट पेड का अर्थ क्या होता है? आपन भाड़ा दिया, पेड केले की नाही, म्हणजे इनकम झालं की एक्सपेन्सेस झालं? एक्सपेन्सेस, म्हणजे ते पण कशामध्ये येणार? एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस अकाउंट, इट मीन्स नॉमिनल अकाउंट। अनदर एग्जांपल, सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट मीन्स वी हॅव पेड सैलरी। लक्षात ठेवा, आपण जेव्हा सैलरी अकाउंट लिहितो याचा अर्थ आपण सैलरी पेड केलं, असं कधीच होणार नाही की कंपनीला सैलरी मिळाली, असं कधीच होणार नाही। सैलरी सांगितलं याचा अर्थ समजायचं आपण ती पेड केली आहे। याद रखो, जब भी कहा जाएगा सैलरी, इसका मतलब समझ लेना है सैलरी पेड किया है। क्या किया है? पेड किया है। सो सैलरी इज अवर एक्सपेंसेस। सैलरी बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा है। क्योंकि सैलरी मतलब क्या? हमारे जो एम्प्लॉई है, कर्मचारी है, उनको पगार देना, मतलब सैलरी। तो बिजनेस के लिए क्या हुआ? एक्सपेंसेस हुआ। सो सैलरी अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इसमें बहुत सारी और चीजें आने वाली है, बाद में हम उसको डिटेल में देखेंगे धीरे धीरे। इनकम एंड गेन्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट म्हणजे काय? आपण गुड्स विकलं, आपण काय केलं? गुड्स विकलं। आता समजा आपण गुड्स विकलं तर आपल्याला पैसे येणार का पैसे जाणार? पैसे येणार, इनकम। सो सेल्स अकाउंट इज अवर इनकम। सेल्स इज अवर इनकम अँड देयरफॉर सेल्स अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। सेल्स मतलब हम लोगों ने गुड्स बेचा, अगर गुड्स बेचा तो हमारे पास पैसा आएगा, मतलब हमारा इनकम, इनकम है तो किसमें आएगा? नॉमिनल अकाउंट। दूसरा हो सकता है रेंट रिसीव अकाउंट। जसं आपल्याला आपण रेंट पेड करतो तसं आपल्याला रेंट मिळू देखील शकतं, बरोबर की नाही? आपली एखादी फॅक्टरी आहे आणि ती आपण रेंटल बेसिसवर दिली, म्हणजे आपल्याला रेंट मिळणार। रेंट मिळालं, रेंट रिसीव इज अवर इनकम, इज अवर इनकम। रेंट जर आपल्याला मिळालं तर ते आपलं काय आहे? इनकम आहे। अँड इनकम इज नॉमिनल अकाउंट, म्हणजे ते कशामध्ये जाणार? नॉमिनल अकाउंट। ओके, सो एक्सपेन्सेस अकाउंट ऑफ एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस अँड इनकम अँड गेन इज नॉमिनल अकाउंट। सी अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, देर आर बेसिकली टू मेजर टाइप्स ऑफ अकाउंट, दॅट इज पर्सनल अकाउंट अँड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट, दॅट इज नॅचरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट अँड रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्सनल अकाउंट। नॅचरल पर्सनल अकाउंट, अकाउंट ऑफ ह्युमन बीइंग। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, अकाउंट ऑफ एनी ऑर्गनायझेशन, अकाउंट ऑफ एनी इन्स्टिट्यूशन, अकाउंट ऑफ एनी बँक और अकाउंट ऑफ एनी सोसायटी एटसेट्रा। रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्सनल अकाउंट, इन दिस अकाउंट रिप्रेझेंट्स आयदर नॅचरल पर्सन और आयदर आर्टिफिशियल पर्सन। इनको रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा रहता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, दैट इज रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट इज अकाउंट ऑफ असेट, दैट मे बी टेंजिबल असेट और दैट मे बी इनटेंजिबल। टेंजिबल असेट फॉर एग्जाम्पल मशीनरी अकाउंट, फर्निचर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट आर सम एग्जाम्पल ऑफ टेंजिबल रियल अकाउंट।
Intangible real account, goodwill account, patent account, trademark account, copyright account are some examples of intangible real account. Nominal account. Nominal account is account for expenses and losses and income and gain. म्हणजे जर expenses loss असेल किंवा income आणि gain याचं जर account असेल तर ते कशामध्ये येतं nominal account. For example, purchases account, rent paid account, salary account, stationery account and so many others account. Income and gain account like sales account, rent received account, interest received account, discount received account etc. मतलब इसमें भी बहुत सारे एग्जांपल आने वाले हैं. यहां पे मैंने सिर्फ दो दो या तीन तीन एग्जांपल लिए. आगे जाके इसी चैप्टर में हम उसके बहुत ज्यादा एग्जांपल लेने वाले हैं. तब मैं फिर से आपको ये एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर ये पार्ट हमें पता नहीं चला, समझ में नहीं आया, तो आगे जाके अकाउंट आपको कुछ भी समझेगा नहीं. अच्छा म्हणजे हे जर तुम्हाला नीट कळलं नाही, पुढे जाऊन तुम्हाला अकाउंट नीट पडणार नाही. त्यामुळे हा जो सेकंड चॅप्टर आहे, हा सेकंड चॅप्टर कंप्लीटली सर्वात महत्त्वाचा चॅप्टर आहे. म्हणजे तुमच्या अकाउंटिंगचा जो बेस आहे तो कशामध्ये आहे, सेकंड चॅप्टर मध्ये. और एक चीज यहां पे याद रखनी है कि हमें सिर्फ तीन अकाउंट यहां पे याद रखो, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट. ये तीन चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है. हमें आगे जाके हमें नेचुरल आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव इसको याद रखने की जरूरत नहीं. म्हणजे जेव्हा आपण पुढे जाणार तेव्हा आपल्याला हे लक्षात ठेवायची गरज नाही. डायरेक्ट कसं सांगायचं, पर्सनल आयसीआयसीआय बँक अकाउंट पर्सनल अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेन्सेस अकाउंट पर्सनल अकाउंट, सोनाली अकाउंट पर्सनल अकाउंट. डायरेक्ट आपण असंच सांगणार. आलं लक्षात? पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट रियल अकाउंट, गुडविल अकाउंट रियल अकाउंट. हम उसको ऐसा नहीं बताने वाले कि ये टेंजिबल है या इनटेंजिबल, नहीं, जरूरत नहीं. और यहाँ पे जैसे कि परचेसेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, रेंट रिसीव अकाउंट नॉमिनल अकाउंट. म्हणजे आपण अशा प्रकारे सांगणार. म्हणून आपल्याला फक्त तीन प्रकार या ठिकाणी लक्षात ठेवायचे. पर्सनल अकाउंट, अकाउंट ऑफ एनी पर्सन, दॅट मे बी नॅचरल पर्सन, दॅट मे बी आर्टिफिशियल पर्सन और दॅट मे बी रिप्रेझेंटेटिव पर्सन. रियल अकाउंट, अकाउंट ऑफ असेट, दॅट मे बी टँजिबल असेट और दॅट मे बी इनटँजिबल असेट. नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट ऑफ एनी एक्सपेन्सेस और लॉसेस एंड अकाउंट ऑफ इनकम और गेन. ओके, तो इस तरह से हमें उसको याद रखना.